दिक्कत तो यही है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में अपराध है, बिहार में चिकित्सा स्वास्थ्य पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है, बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है, बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज जमकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिनों जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद से ही तमाम विपक्षी नेता सरकार को घेर रही है और कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो बात मीडिया से बात की तो मीडिया से बात करते के दौरान उन्होंने कई सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने ये साफ तौर पर बता दिया कि एक स्लोगन है, बिहार में बाहर है, ऐसा नहीं है बल्कि बिहार बर्बाद है और नीतीश कुमार है। और आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, नीति आयोग पर क्या सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार से, आप खुद सुनिए। कई बार नीति आयोग के रिपोर्ट को हमने विधानसभा में भी बताया, उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया जो है मुख्यमंत्री का नहीं आया। अब जो भी लोग सत्ता में हैं एनडीए के, वो क्या बोलेंगे? हकीकत तो यही है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में अपराध है, बिहार में चिकित्सा स्वास्थ्य पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है, बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। लोग नारा लगाते थे कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है, पूरी तरीके से लोगों को उम्मीद नहीं रहे। और हमने तो पहले भी बोला, ये तो ज्ञान की बात करते थे कि क ख ग का ज्ञान है कि नहीं है, ए बी सी डी का ज्ञान है कि नहीं है। अब बताइए, नीति आयोग का रिपोर्ट नहीं पता बिहार सरकार के मंत्री, तो ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि बिहार जो है पहला नंबर प्राप्त कर रहा है पीछे से। मतलब सबसे फिसड्डी राज्य जो है बिहार साबित हुआ है। और ये रिपोर्ट पे हमारा उनका नहीं बल्कि उन्हीं के केंद्र में उन्हीं लोगों की सरकार है भाई, तब तो इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, तो क्या बोल सकते हैं? बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और हमने पहले भी बोला था कि ये थके हुए मुख्यमंत्री हैं, पूरे तरीके से मुख्यमंत्री जो है थक चुके हैं, बिहार इनसे संभल नहीं रहा और इनको कोई रुचि बिहार संभालने में, बिहार के लोगों की तरक्की में, बिहार को आगे बढ़ाने में नहीं बल्कि अपनी कुर्सी बचाने में। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है, उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि बिहार में प्रति 1,00,000 व्यक्ति पे मात्र 6 बेड अस्पताल में मौजूद है, जिस पर तमाम विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे थे सरकार से। ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने भी सवाल पूछा है और जो स्लोगन है बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, उनको बदल कर उन्होंने कर दिया है बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है। ऐसे में इस पूरे मसले पर नीतीश कुमार और सत्ता पक्ष के तमाम नेता क्या कुछ जवाब देते हैं और सफाई देते हैं, ये देखना भी बाकी है। लेकिन बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।